डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्लास 12th में जो हम लोग मैथ्स में पढ़ रहे थे, वो पिछले क्लास में 7.3 के लिए जो थ्योरी था वो हम लोगों का पूरा थ्योरी खत्म हो गया था, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ इंटीग्रेशन के रूल नियम देखे थे और ट्रिगो के लिए भी कुछ फार्मूला पढ़े थे जो अभी हम लोगों को यूज पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी के 7.3 एक्सरसाइज, जो इंटीग्रेशन का एक चैप्टर है, एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। एक्सरसाइज 7.3 के लिए जितना भी फार्मूला आपको लिखवाया गया है, आप उन फार्मूले को, उन रूल्स को आप जरूर याद रख लीजिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7.3 का पहला क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन को, तो कुछ इस तरीके से है, साइन स्क्वायर 2x + 5। दोस्तों, ये जो पहला क्वेश्चन है ये हम आपको एग्जाम्पल के क्वेश्चन में हम आपको करवा चुके हैं, ठीक है, यानी कि आपको समझाने के लिए पिछले क्लास में रूल में जो हम लोग पढ़ रहे थे उसको समझाने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन को आपको बता चुके हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिखाया रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है साइन 3x इंटू कॉस 4y, साइन 3x इंटू कॉस 4y, यानी कि इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x ऐसे है, dx अपने तरीके से लगा दिए, अपने तरफ से लगा दिए और इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला था, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फार्मूला था, हम लिखवाए थे कि साइन एक्स इंटू कॉस वाई, आपका ये पहला फार्मूला था। कौन सा फार्मूला था? ये पहला फार्मूला आपको लिखवाए होंगे कि 1/2 आगे होता है और ब्रैकेट साइन के अंदर में एक्स प्लस वाई प्लस साइन के अंदर में एक्स माइनस वाई होता है और ब्रैकेट क्लोज। देख पा रहे होंगे, इसीलिए हम आपको हर रूल्स को बताए हैं, हर फार्मूले को बताए हैं कि आपको यूज है। देख पा रहे होंगे साइन एक्स कोस वाई का फार्मूला 1/2 ब्रैकेट साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। दोस्तों, एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स के जगह पे 3x है और वाई के जगह पे 4x है। देख पा रहे हो, लग गया ना फार्मूला, साइन एक्स के जगह पे 3x है, कॉस वाई के जगह पे 4x है। तो आप यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1/2 ब्रैकेट साइन के अंदर एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स और वाई को क्या करना है, जोड़ देना है। तो एक्स के जगह पे मेरा 3x है प्लस वाई के जगह पे क्या है, वाई के जगह पे 4x है, ठीक है। फिर फार्मूला में है प्लस, फिर साइन है ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, यानी कि एक्स के जगह पे यहां क्या है 3x और वाई के जगह पे क्या है 4x, तो माइनस करना है ना यहां पे फार्मूला में, ब्रैकेट क्लोज dx, यानी कि यहां पे dx का dx छोड़ दिया, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना करना है और हम साइन एक्स कोस वाई का फार्मूला लगा दिए जैसा कि आपको बताए थे। फिर नेक्स्ट इंटीग्रेशन 1/2 बाहर है, साइन तो ठीक ठाक है और उसके एंगल में 3x और 4x को ऐड कीजिए तो साइन 7x प्लस हो गया, साइन 3x में से जब माइनस 4x जाएगा तो माइनस x बचेगा ना, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
फार्मूला मिटा देते हैं। आपको हम समझाने के लिए फार्मूला लिखे थे, ऐसे समझ नहीं आता कि कौन सा फार्मूला यूज किया जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि आगे चलते हैं, 1/2 ब्रैकेट साइन 7x, और आपको याद होना चाहिए दोस्तों, हम लोग पढ़े थे कि साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस बाहर निकल जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, यानी कि अंदर में अगर माइनस थीटा रहेगा वो माइनस कहाँ हो जाएगा, बाहर। तो साइन के अंदर माइनस एक्स है तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स और पूरा का dx, ठीक है। चलिए, आपको पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर कोई कांस्टेंट रहता है उसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं, तो 1/2 कांस्टेंट निकल गया बाहर, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो ये बाहर निकल गया। उसके बाद जब 1/2 बाहर निकल गया तो ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी साइन 7x के साथ भी टूटेगा और साइन x के साथ भी टूटेगा, तो इंटीग्रेशन साइन 7x dx और माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देख लो भाई, 1/2 को कांस्टेंट था हम बाहर निकाल लिए, लेकिन इंटीग्रेशन में इसको और इसको अलग अलग दोनों को तोड़ दिए, ठीक है, तो 1/2 तो साथ में रहेगा। आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि सिर्फ 1/2 इसके साथ लगाते हैं, इसको अलग कर देते हैं, नहीं भाई 1/2 तो सबके साथ है ना, तो 1/2 सबके लिए बाहर निकल गया, और ये आने वाले टाइम में 1/2 इसके साथ भी मल्टीपल हो जाएगा, गुना हो जाएगा और इसके साथ भी गुना हो जाएगा, तो हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1/2 ब्रैकेट। अब साइन 7x, तो साइन x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, कॉस x, तो यहां हो जाएगा, सॉरी साइन का होता है माइनस कॉस x, तो माइनस कॉस 7x हो जाएगा क्योंकि 7x है, और x का गुणांक कितना है, 7, तो 7 से भाग हो जाएगा माइनस। अब ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना है, हम लोग फार्मूला में पढ़े हैं माइनस कॉस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और इंटीग्रेशन अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग सी लगा देते हैं, तो अब जो है हम लोगों को आंसर हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा, माइनस कॉस 7x बटा 14, 7 × 14 और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स बटा में 2 प्लस में सी आंसर, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हम लोगों का ये जो कैलकुलेशन आ रहा है दैट इज वेरी इजी, ज्यादा हार्ड है नहीं, लेकिन थोड़ा सा फार्मूले पे ध्यान देना होगा, फार्मूला अच्छे से अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉस 2x, कॉस 4x और कॉस 6x का डिफरेंशिएशन, कॉस 2x, कॉस 4x, कॉस 6x का डिफरेंशिएशन, तो ये किस फार्मूले पे आएगा भाई, तो तीनों में कॉस 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 है लेकिन एंगल अलग अलग है, एक में 2x है, एक में 4x है, एक में 6x है, तो हम लोग इसको फार्मूले पे लेंगे cos x, cos y और cos z, आपको याद आना चाहिए हम फार्मूला लिखवाए हैं, cos x इंटू cos y इंटू cos z, ठीक है। आप याद रखिए ये cos x, cos y, cos z, ये आपको जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का जो फार्मूला लिखवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन फार्मूला में 5 नंबर पे है, कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है। अब इसका जो फार्मूला होता है वो इस तरीके से होता है, तो 1/4 इसका फार्मूला होता है 1/4 पहले बाहर निकाल लीजिए और फिर cos 2x, ठीक है, cos 2x और फिर प्लस
cos 2y plus cos 2z plus 1, ठीक है, ये हम लोगों का फार्मूला होता है, इतना बड़ा फार्मूला। अब देख लो भाई, देखने के बाद आपको थोड़ा सा याद आना चाहिए, आपको देखने आने चाहिए कम से कम फार्मूला कि किस फार्मूले पे ये बैठ रहा है, उस फार्मूले पे तोड़ देना है। हमको कैसे पता चला कि इसी फार्मूले पे टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे देख पा रहे होंगे सवाल जो दिया हुआ है वो cos 2x plus cos 4x into cos 6x है, यानी कि तीनों का तीनों cos में है, लेकिन एक में 2x है, एक में 4x है, एक में 6x है, यानी कि एंगल अलग अलग है। यहाँ पे बात करें तो x के जगह पे 2x है एंगल, y के जगह पे 4x है और z के जगह पे 6x है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन, ये तीनों के जगह पे फार्मूला 1/4 ब्रैकेट cos 2x, 2x का मतलब अगर x हुआ तो उसका दो गुना, अगर यहाँ 2x है तो यहाँ cos 4x हो जाएगा, अरे भाई 2x है तो 2x का दोगुना 4x। फिर बोल रहा सवाल में प्लस करो, अब की बार में y का दोगुना, तो यहाँ y के जगह पे तो 4x है तो 4 का दोगुना कितना 8x, तो cos 8x प्लस फिर cos 2z यानी कि इस z का दोगुना, तो z कितना है 6x, तो 6x का डबल हो जाता है 12x और प्लस में 1 लगा देना है, ब्रैकेट क्लोज और dx, ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। फिर हम लोग क्या जानते हैं कि 1/4 कांस्टेंट है, तो 1/4 को बाहर निकाल लो और फिर ब्रैकेट अंदर में जो इंटीग्रेशन है सबके साथ टूटेगा, तो इसके साथ क्या बनेगा पता है, cos 4x dx, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन cos 8x dx प्लस इंटीग्रेशन cos 12x dx प्लस 1 dx ब्रैकेट क्लोज। सबको अंदर में इंटीग्रेशन तोड़ दिया 1/4 बाहर निकालकर, जैसा कि जानते हैं हम 1/4 का बाहर है वो 1/4 ही रहेगा, इसका 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 जो इंटीग्रेशन करके आएगा सब में गुना होगा, नो डाउट, ठीक है। चलो देखते हैं कि आगे आने वाले क्या होता है, इंटीग्रेशन करके क्या निकलता है। तो अगर हम लोग जानते हैं 1/4 ब्रैकेट कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो यहां साइन लिख दिया, लेकिन 4x है तो 4x लिखेंगे, लेकिन दोस्तों x का गुणांक कितना है 4, तो 4 से भाग कर देते हैं। फिर प्लस प्लस cos 8x का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो sin 8x, लेकिन x का गुणांक 8 है तो जितना गुणांक होता है x के बगल में उतना से भाग कर देते हैं। प्लस इस बार cos 12x का इंटीग्रेशन, तो cos 12x का हो जाएगा sin 12x, लेकिन x का गुणांक कितना है 12, तो 12 से भाग कर देंगे। प्लस हम लोग जानते हैं दोस्तों कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, और फिर x ही लगाया जाता है, लगा दिए। फिर करना क्या होता है, इस 4 को सब में मल्टीपल करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए बाहर हुआ है, तो इसके आंसर में होगा साइन 4x/16 प्लस साइन 8x/32 अठचों का 32, फिर साइन 12x/48 प्लस सी। इस तरीके से हम लोगों का ये आंसर हो चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि हर एक क्वेश्चन में दोस्तों फार्मूला लगने वाला है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में, आगे के क्वेश्चन में जो फार्मूला लग सकता है उस फार्मूले को हम आपको बता देंगे, और उस फार्मूले को लगाकर आपको उसका इंटीग्रेशन निकालना है,
ठीक है। फिलहाल तीन क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या बोल रहे हैं, साइन क्यू टू एक्स प्लस वन। देख लीजिए भाई, साइन क्यू टू एक्स प्लस वन और डीएक्स, और साइन क्यू थीटा का यहां पे फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे साइन क्यू टू एक्स प्लस वन है, तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन क्यूब थीटा का जो फार्मूला होता है वो वेरी सिंपल है। वो कौन सा फार्मूला है जरा देखिए, तो साइन क्यू थीटा का यहाँ पे दो फार्मूला है, आप यूज कीजिएगा कौन सा। तो साइन क्यूब थीटा का फार्मूला यहाँ पे जो यूज कीजिएगा वो आप कीजिएगा 3/4 साइन थीटा, 3/4 साइन थीटा, ठीक है। थीटा की जगह पे कितना है 2x प्लस वन माइनस 1/4 साइन 3 थीटा। देख लीजिए, यानी कि अगर थीटा रहेगा यहाँ पे, साइन क्यू का साइन क्यू है लेकिन थीटा के जगह पे कितना है 2x प्लस फोर, तो यहाँ पे भी 2x प्लस फोर रहेगा, यहाँ पे भी 3 से गुना करना है 2x प्लस फोर को, और जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x का जितना गुणांक होगा उससे भागा कर देंगे, यानी कि आप इस फार्मूले को यूज करके आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। थीटा के जगह पे कितना रखिएगा 2x प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 साइन 2x प्लस वन माइनस 1/4 साइन 3 से गुणा कीजिएगा, तो 3 × 2 = 6x प्लस 3। क्यों 3? क्योंकि 3 से हम गुणा करा दिए, और फिर साइन का इंटीग्रेशन देख लीजिएगा क्या क्या होता है अलग अलग करके, ठीक है। तो आपको हम फार्मूला यहाँ पे बता दिए कि कौन सा फार्मूला यूज करना है, और उस फार्मूले को आपको यूज करके इंटीग्रेशन को डन करना है। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से दिखा रहे, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स, ठीक है। यहां पे क्या बोल रहे हैं कि साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है। दोस्तों हम क्या बोल रहे हैं ना कि इस एक्सरसाइज में आपको कदम कदम पे फार्मूला यूज करना है, यानी कि फार्मूला इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको हर क्वेश्चन में फार्मूला लगाना है। यहाँ पे अब कौन सा फार्मूला लगेगा, तो आपको हम फार्मूला नंबर 9 बता चुके हैं, साइन क्यू थीटा इंटू कॉस क्यू थीटा, ठीक है। आपको हम फार्मूला बता चुके हैं साइन क्यूब थीटा, कौन सा, तो साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा। देखो यहाँ पे एक्स एक्स है, हम लोग थीटा का फार्मूला सीखे, कितना फार्मूला पढ़े, तो 1/32 ब्रैकेट 3 sin 2 थीटा। देख लो भाई, कब, जब यहाँ थीटा है तब, ठीक है, यहाँ जब थीटा है तब, लेकिन यहाँ एक्स है तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी 1/3 नहीं 1/32, 3 sin 2 थीटा माइनस sin 6 थीटा, ये हम लोगों को फार्मूला है, देख पा रहे हैं। तो दोस्तों सिंपल है, बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे कीजिएगा क्या, तो थीटा के जगह पे क्या इस्तेमाल करना है, एक्स एक्स इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा 1/32 3 sin 2x माइनस sin 6x। क्यों? क्योंकि थीटा के जगह पे एक्स है। आप इसको रख कर इस फार्मूले में आप इसको इंटीग्रेशन कीजिएगा अच्छे तरीके से, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, नो डाउट, ठीक है। 1/32 जैसा कि जानते हैं वो सब में गुना होगा, लेकिन इसमें 3 को गुना कर देना, 3 को यानी अलग अलग इंटीग्रेशन कीजिएगा इसका इसका,
तो ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ निकल कर आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरीके से है, साइन एक्स साइन टू एक्स साइन 3x, इस तरीके का क्वेश्चन आपको छठा क्वेश्चन दिख रहा है। छठा क्वेश्चन, हाँ जी छठा क्वेश्चन है, साइन एक्स साइन 2x इंटू साइन 3x dx। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करना है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x और dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इस ये कौन सा फार्मूला पे बैठेगा भाई? तो आप जो है ना फार्मूला देख लीजिएगा, हम आपको बता चुके हैं साइन एक्स साइन वाई और इनटू साइन जेड का फार्मूला आपके कॉपी में लिखवाया गया होगा। ठीक है, साइन एक्स एक्स के जगह पे तो एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, वाई तो यहाँ पे 2x है, जेड तो यहाँ 3x है, और उसका फार्मूला लगाना है, आपके कॉपी में नोट डाउन होगा कि साइन एक्स साइन वाई साइन जेड का फार्मूला क्या होता है। वहां से उन चीजों को देखकर अगर आपको याद नहीं होगा तो वहां से देख सकते हैं, अगर याद होगा तो बहुत अच्छा वर्ल्ड है, और आप उस फार्मूले को पहले इस क्वेश्चन को फार्मूले पे पहले तोड़ लेना है, बाद में फिर इसको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आपको हिंट्स के तौर पे क्वेश्चन यहाँ पे हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। इस क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है कुछ इस तरीके से, साइन 4x इंटू साइन 8x, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू dx। ठीक है, ये साइन 4x इंटू साइन 8x और dx, ये किस फार्मूले पे है, हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे, जरा चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सिंपल वे में अगर बात करें तो साइन 4x और साइन 8x, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे दोस्तों? जैसा आप देख पा रहे होंगे, आपको एक फार्मूला छूट गया है, आप इन फार्मूले को जरूर नोट कर लीजिए, साइन एक्स इंटू साइन वाई का फार्मूला, साइन एक्स इंटू साइन वाई का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, ये हम लोगों का फार्मूला होता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि साइन एक्स है, ये एक्स के जगह पे 4x है और वाई के जगह पे 8x है। ठीक है, यहाँ पे एक्स है ना तो यहाँ पे 4x है, वाई है ना तो यहाँ पे 8x है। आपको क्या करना है, इसी फार्मूले पे नोट कर लेना है, जरा आप इसको फार्मूले में नोट कर लीजिएगा, ये फार्मूला हम लोगों को छूट गया है, वहां पे गलती से याद नहीं पड़ा होगा या फिर ध्यान नहीं दिए होंगे, इसके वजह से ये फार्मूला छूटा होगा, आप इसको लिख लीजिएगा, ये नहीं लिखवाए हैं। तो देख पा रहे कि साइन एक्स यानी कि साइन साइन दोनों में है, लेकिन एक वो 4x है, वो 8x है, दोनों अलग अलग एंगल है, तो जहां x है वहां पे 4x रखिएगा, जहां y है वहां 8x रखिएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटीग्रेट कर लीजिएगा इसी फार्मूला पे तोड़कर। ठीक है, इसी फार्मूला पे तोड़कर आप इसको यूज कर लीजिएगा। फिलहाल हम बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन 1 cos x / 1 cos x, 1 cos x / 1 cos x dx। ठीक है,
ये इंटीग्रेशन है, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग यहां पे देख पा रहे होंगे प्लस है ना, प्लस है। अगर इसका प्रमेयकरण यानी कि रेशनलाइज अगर करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा जरा देख लेते हैं। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर देख पा रहे होंगे हम लोग, तो क्या बन रहा होगा साइन स्क्वायर और माइनस 2 कॉस एक्स बट्टा, यानी कि एक मिनट जरा हम सोच लेते हैं कि अगर परमेकरण करेंगे तो इसको फायदा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि प्लस है तो आप माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स बनेगा ऊपर और नीचे बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, जिसको हम लोग साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं, है ना, साइन स्क्वायर बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये फार्मूला पे नहीं आ रहा दोस्त, तो ऐसा करते हैं ना, एक फार्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे, हालांकि अच्छा एक और चीज, अरे यार सिंपल तो है, हम लोग तो फार्मूला पढ़े ही ना, आप देख लेना भाई 10 और 11 नंबर फार्मूला जो हम आपको बताए हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, ये आपको लगातार ही फार्मूला लिखवाए हैं, ठीक है, ये ना आपको लगातार ही फार्मूला लिखवाया जा चुका है कि ये फार्मूला होता है, ठीक है, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे तो उतना माथा पीछे लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि फार्मूला है तो भाई सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप करना है क्या, 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ऊपर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर डीएक्स, 2 से 2 खत्म कहानी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे साइन स्क्वायर बच रहा है कोस स्क्वायर बच रहा है, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे तो आपको जैसा कि पता होगा हम लोगों को टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 बनता है, बनेगा ना भाई, साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर क्या बनता है, तो सिंपल हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर मिटा देते हैं, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डीएक्स, ठीक है। हम लोग जानते हैं ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, देख लो भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1, तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर गया तो प्लस, और ये प्लस 1 है इधर आ गया तो माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस है इधर आया तो माइनस 1 और ये उधर जाएगा तो बन जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या बन गया, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हम लोगों को फार्मूला बन गया, ठीक है। आप यहां से देख पा रहे होंगे टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो यहां पे हम लोगों को क्या फार्मूला बन गया, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 और डीएक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 1 इंटू डीएक्स, ये हम लोगों का फार्मूला बन गया। जब हम लोग अलग अलग भी तो तोड़ सकते हैं भाई, यहां से देख लो अलग अलग तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 डीएक्स माइनस 1 डीएक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर किसका होता है, तो टेन का, तो यहां हो जाता है टेन एक्स बाय 2, लेकिन एक्स का गुणांक क्या है 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 से भाग कर दिए,
ध्यान देना भाई, sec स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या tan, तो sec स्क्वायर के जगह पे tan, एंगल में x बाय टू था, x बाय टू x का गुणांक 1/2 होता है तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, और माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस टू। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे वाला जो 2 है 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा 2 tan x बाय टू प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस सी। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोगों का कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर था हम लोगों का 8। चलिए दिखाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है और हम उसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ठीक है, सब फार्मूला पे है, थोड़ा सा फार्मूला लगाने के बाद ना कुछ कटेगा, कुछ अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है इंटीग्रेट करने के लिए, ऐसा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीके से है, इंटीग्रेशन cos x बटा 1 प्लस cos x dx। ठीक है, ये हम लोगों का है। आपको याद होना चाहिए कि cos x ठीक है और बटा में 1 प्लस cos x है, तो 1 प्लस cos x का तो फार्मूला याद होना चाहिए, 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो जाएगा, लेकिन cos x की जगह पे जैसा कि याद आना चाहिए आपको, सिंपल वे में अगर यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे तो एक फार्मूला तो पक्का है कि 1 प्लस cos x के जगह पे, या थीटा वाला फार्मूला याद कीजिए हम लोग क्या लगाते हैं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 1 प्लस cos थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, अब तो एक और फार्मूला है हम लोगों का, वो कौन सा, अगर मान लिया जाए इस तरीके से cos 2 थीटा का फार्मूला एक हम लोग देखते थे, डबल एंगल cos 2 थीटा का फार्मूला आपको लिखवा है कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और करके अगर हम लोग लिखें तो ये cos 2 थीटा है तो आधा बन गया, अगर ये cos थीटा होता तो यहाँ हम लोग लिख सकते 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1। ये हम लोग फार्मूला लिख सकते थे, यानी 2 थीटा था तो यहाँ पे हाफ बन गया यानी कि थीटा हो गया, तो वैसे ही थीटा के जगह पे आप इसको रख दीजिएगा, cos x के जगह पे 2 cos स्क्वायर x बाय 2 और 1 प्लस cos x का फार्मूला होता है ये, और फिर आपको अलग अलग डिवाइड कर दीजिएगा और फिर बनाइएगा सिचुएशन को। आगे की भी क्वेश्चंस इजी हैं, लेकिन सबका फार्मूला आपको यूज करना है और कुल मिलाकर आपको जो यूज करना है, यूज करते करते फार्मूला 12 तक आपको होमवर्क्स दिया जा रहा है, आपको 12 तक के कंप्लीट करना है क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन फार्मूले पे ही है, कोई भी अलग नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 12 तक जरूर ट्राई कीजिएगा, सभी फार्मूला लिखवाया हुआ है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।